हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ हैशटैग में आपका स्वागत है। और ये है अर्ली मॉर्निंग का समय, 4:45 पे मैं एवरीडे उठती हूँ जब बच्चों का स्कूल होता है। तो अभी मैं उठ के आई हूँ, इसके बाद मैं अपना फेस वॉश करूँगी और फेस वॉश करने के बाद मैं जाऊँगी किचन में। फेस वॉश कर लिया है और बहुत जल्दी उठना पड़ता है तो काफ़ी देर में नींद खुलती है। तो उसके बाद अभी और इसके बाद मैंने ये सब्ज़ी, मतलब जो भिंडी वगैरह होती है वो मैं रात को काट के सोती हूँ, बाकी सब्ज़ियाँ प्याज टमाटर वगैरह मैं सुबह काटती हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ, फिर तड़का लगाऊंगी। ऑयल डाल दिया है मैंने फ्राई पैन में और अब जाके मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तेल गरम हुआ, गरम होने के बाद मैंने जीरा डाला, जीरा डालने के बाद प्याज और हरी कटी हुई मिर्च डाल दी है। उसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें भिंडी और मैं मसाले ऐड करती हूँ लास्ट में, क्योंकि टमाटर भी मैं बाद में ही डालती हूँ भिंडी में, और कई बार मैं नहीं भी डालती हूँ टमाटर तो सूखे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं आलू और भिंडी के साथ ही इसमें मसाले ऐड कर दिए। इसमें थोड़ा मिक्स करने में टाइम लग जाता है पर ये सही से पक जाते हैं, तब तक भिंडी की सब्ज़ी पकती है। तो मैं इसी में ऐड कर देती हूँ साथ साथ, और अभी देखिए मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ, तो आप बने रहिए व्लॉग में। ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गई है और आधी पक भी गई है भिंडी। तो अभी हम इसको ढक के भी पकाएंगे, बीच में थोड़े से टमाटर डाल दूँगी मैं इसमें। तो देखिए अभी इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया लास्ट में, और यहाँ पे चलाते रहना है क्योंकि सूखी सब्जी बनानी है और इसमें कुछ आलू था तब ज़्यादा लगने का डर रहता है सब्जी में, वैसे मेरी कढ़ाई में लगता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब्जी बना दी है और थोड़ा सा ढक के पकाएंगे और फिर मैं लास्ट में टमाटर ऐड करूँगी ताकि जो लार बनती है वो ना बनेगी। और बहुत ही अच्छी सी भिंडी बन के तैयार हुई थी ये देखिए। अब मैंने लास्ट में दो कटे हुए बारीक बारीक काटती हूँ, कई बार मैं छिलका उतार लेती हूँ, कई बार नहीं उतारती हूँ छिलका, तो हल्का फुल्का छिलका उतार लेती हूँ ताकि वो बाद में मेरे बच्चे खाते नहीं है, वो टमाटर का छिलका जो आ जाता है वो भी निकाल देते हैं। तो इसमें देखिए अब ये पक रही है, टमाटर डालने के बाद मैं थोड़ा सा पकाऊँगी इसको और ये ढक दिया है मैंने। फिर इसके बाद आती है आटा लगाने की बारी, अब आटा छानती हूँ मैं, फिर उसके बाद आटा लगाती हूँ। और मेरे पास ट्राईपोड नहीं है तो मैंने हाथ से वीडियो बनाई थी, तो ऐसे रोक रोक के मैं वीडियो बना रही हूँ, तो देखिए आप वीडियो में बने रहिए। और यहाँ पे मैंने लगा दिया आटा और ये मैंने 2 दिन की क्लिप ऐड करी है, यहाँ तक आज की क्लिप है। और आगे ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अंधेरा है बाहर से बालकनी में, और बहुत ही अच्छी अच्छी हवा चल रही थी, तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे खड़ी हो गई आटा लगाने के बाद। और आज इसके पापा को भी जल्दी जाना था तो मेरे को जल्दी से नाश्ता बनाना पड़ा। यहाँ पे मैंने डाल दिए पहली रोटी जो कि जाती है हमारी गाय को, और अब देखिए सब देते होंगे गाय को एक रोटी जो पहले सीखती है। और ये अब मैंने समायरू की सेक के, क्योंकि मैं इसको मॉर्निंग में पराठा कम देती हूँ, इसको ना वैन में जाती है तो इसको उल्टी का मन करता है, तो इसलिए मैं पराठा बहुत कम देती हूँ, रेयर ही होता है पराठा देती हूँ, तो मैं इसको रोटी देती हूँ सब्जी के साथ बस, ओनली पतली सी रोटी एक खा के जाती है। और ये देखो रेडी होके लेट गई है, ये रेडी अपने आप हो जाती है लास्ट में, बस मैं थोड़ा सा निलाती हूँ निला के और ये अपने आप रेडी हो जाती है फिर। और यहाँ पे मैंने इसका टिफ़िन पैक कर दिया है, टिफ़िन में डाला है मैंने चपाती पतली पतली और सब्ज़ी डाल ली है, उसके बाद कुछ फ्रूट्स दे दूँगी मैं। और इनका मेन जो सब्ज़ी खाने का तरीका मैं बताऊँ वो इसमें से आलू आलू छाट के खा के जाएगी। बीच में मैंने इसके पापा को भी नाश्ता दे दिया था और अब मैंने फ्रूट्स धो के दे दिए हैं, अब ये बच्चों के टिफ़िन में जाएगा और इसके पापा खाएंगे नाश्ते में। यहाँ पे मैं बना रही हूँ समायरू की चोटी, तो चलिए चोटी बना लेते हैं, क्योंकि बस एक चोटी नहीं बनती है इससे, ठीक से बना लेती है पर ठीक से नहीं बनती है, तो इसलिए चोटी मेरे को बनानी पड़ती है, बाकी काम ही अपना खुद से कर लेती है, ड्रेस वगैरह पहनना जो नहीं कर पाती हो मैं हेल्प कर देती हूँ, बल्कि मेरी बड़ी वाली बेटी चोटी नहीं बना पाती है, ये बना लेती है चोटी। और अभी ये मैडम ने अपना फ़ोन पकड़ा हुआ है तो अपना ही फेस देखे जा रही है, ये मैं चोटी बना रही हूँ ये अपना फेस देख रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी चोटी बन के रेडी हो जाएगी और जब ये निकलने का टाइम होगा तब मैंने पहले दिन का सूट कर रखा था वो मैं डालूंगी, क्योंकि उस टाइम ये उठ गया था हमारा कानू जी, और कानू जी उठने के बाद आपको पता ही है कैसे वीडियो बननी होती है। तो यहाँ पे मैंने इसका लंच पैक किया, एक फ्रूट डाला है, फ्रूट मैं एप्पल काट के नहीं देती हूँ,
और ये समय रुकी है पहले दिन की क्लिप, जो कि मैंने चोटी नहीं बनाई थी, क्लिप लगाई थी, क्योंकि ज़्यादा बड़े बाल तो है नहीं, तो बहुत जल्दी में थी ये, तो फिर मैंने ऐसे नॉर्मली तैयार कर दिया था। और यहाँ पे अपना बैग पैक कर रही है, टिफ़िन और बोतल डाल रही है बैग में, ये काम इसी का होता है। और फिर अभी ये पैक करके अभी चली जाएगी। इस बीच में उठ गए थे हमारे कानू, तो मैं कानू को भी दिखाती हूँ। समायरू हो गई है रेडी और ये जा रही है अब, और ये खुद से चली जाती है क्योंकि नीचे वैन आती है, मैं बालकनी में से देख लेती हूँ, और बाकी कई बार मैं खुद भी छोड़ देती हूँ। तो अब चली गई है समायरू, अब है इच्छू की बारी, इच्छू को उठाएंगे, इच्छू नहाएगी। और अभी देख, इच्छू को उठाने के लिए अंदर आई तो ये महाराज जी उठ के बैठे थे, और देखिए अब ये उठ गए हैं। इसके बाद मेरी कोई क्लिप नहीं बनेगी क्योंकि ये उठने के बाद हमारा कोई काम नहीं होता है। और देखिए मैं आपको टाइम दिखा रही थी पीछे, तो टाइम बज गए थे 6, 6 बजे मैं इच्छू उठाती हूँ क्योंकि 7 बजे इच्छू की वैन आ जाती है। तो यहाँ पे अब मेरे को कुछ नहीं करने देना है, तो देखिए आप देखते रहिए व्लॉग, और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ये देखिए, और यहाँ पे मैं इच्छू को छोड़ के आ गई हूँ, और छोड़ के आके नीचे थोड़ी देर में मामी के पास बैठ गई थी। यहाँ पे मैंने बनाई रील, और ये देखिए उल्टी चश्मा पहन ली थी, और देखिए बहुत हंसी आ रही थी। और यहाँ पे करते हैं व्लॉग का एंड। थैंक यू।